बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर हमारा 7 सेकंड चैप्टर है हमारा चैप्टर का नेम है सेल डिवीजन ठीक है आज का हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी हेरिडिटी हम किसे कहते हैं हेरिडिटी बोलते हैं विरासत को ठीक है विरासत विरासत से क्या मुराद है विरासत से मुराद जब भी हम बात करते हैं यानी हम ये कहते हैं कि जो खसूसियात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होती हैं वो विरासती खसूसियात होती हैं मतलब उन्हें विरासत में मिली है ठीक है तो हेरिडिटी की अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे हेरिडिटी क्या है इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स और करैक्टरिस्टिक्स ठीक है खसूसियात की मुंतकली कहाँ से मुंतकिल होंगी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रांसमिशन हो रही है करैक्टर्स की उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं ठीक है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वालदैन से बच्चों में खसूसियात की मुंतकली का जो अमल है वो क्या कहलाता है हेरिडिटी या विरासत नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म यूज की है हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स विरासती खसूसियात कौन सी होती है विरासती खसूसियात अब ये वही खसूसियात है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से जाती है अब इनमें कौन कौन सी आ जाती है यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई आपकी बुक्स के अंदर कौन कौन सी हैं जैसे स्किन का कलर है हमारी स्किन का कलर है ठीक है अगर पेरेंट्स की स्किन का कलर डार्क होगा तो हमारी भी स्किन का कलर डार्क होगा अगर उनकी स्किन का कलर फेयर होगा तो हमारी भी स्किन का कलर फेयर होगा आइज का कलर है बेसिकली वही होता है जो हमारे पेरेंट्स की आइज का कलर होता है ठीक है हेयर्स का कलर है या हमारी हाइट है हमारी हाइट कितनी है हमारा कद कितना है वो भी डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स की हाइट ठीक है इंटेलिजेंस है ये भी क्या है एक हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स है विरासती खसूसियत है या अटैच्ड ईयर लोब्स हैं और फ्री ईयर लोब्स हैं कान की ये ईयर जो ईयर लोब्स है हमारा ये किसी का जुड़ा होता है ठीक है फेस के साथ अटैच होता है किसी का फ्री होता है तो ये भी क्या है ये भी एक हेरिडिटी करैक्टर है तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी विरासती खसूसियात हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेरिएशन वेरिएशन की टर्म यूज की गई है वेरिएशन से क्या मुराद है वेरिएशन को हम कहते हैं तगयुर को तब्दीली को यानी चेंज को ठीक है वेरिएशन कहलाता है वेरिएशन किस तरह से आती है या वेरिएशन को अगर हम डिफाइन करते हैं क्या है उसकी डेफिनेशन देखें जिसको हम ये कहेंगे डिफरेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज और अ फैमिली ठीक है एक ही स्पीशीज के अंदर स्पीशीज किसको कहते हैं एक जैसे जानदारों का एक ग्रुप जो है वो स्पीशी कहलाता है जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं हम सारे के सारे एक ही स्पीशी हैं होमो सेपियंस ठीक है हम एक ही स्पीशी हैं या हम ये कहते हैं किसी एक फैमिली के अंदर जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंस आता है वो क्या कहलाता है वेरिएशन कहलाता है ये वेरिएशन आती कैसे है हमने पीछे बात की है मियोसिस के बारे में हमने माइटोसिस भी पढ़ा हमने मियोसिस भी पढ़ा मियोसिस के जरिए से आती है वेरिएशन चेंजेस आती है ठीक है ये वेरिएशन इन्हीं वेरिएशन की वजह से हम ये कहते हैं हालांकि हम सबके पेरेंट्स एक जैसे हैं ठीक है अगर हम बहन भाई की बात करते हैं चार बहन भाई हैं या पांच हैं पेरेंट्स तो सबके एक जैसे हैं ठीक है वही सेम पेरेंट्स हैं लेकिन उनकी आपस में शक्लें नहीं मिल रही होती या उनकी आपस में खसूसियात है वो भी नहीं मिलती तो वो क्यों आपस में वेरी करते हैं उनके अंदर डिफरेंस क्यों आता है बेसिकली यही चीज वहां पर होती है वेरिएशन ठीक है इसी वजह से जो बहन भाई हैं उनकी खसूसियात या उनकी शक्लें आपस में नहीं मिलती क्योंकि उनके अंदर जो वेरिएशन आई है उनके अंदर कुछ करैक्टर जो है वो दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो उस बेस पे हम ये कहते हैं कि वो आपस में नहीं मिलते उनके करैक्टर जो है वो वेरी करते हैं वो दूसरे से डिफरेंट है अब ये वेरिएशन आना क्यों जरूरी है इसका अगर बेनिफिट देखें या एडवांटेज देखें हम तो क्यों क्या इसका बेनिफिट है इसका बेनिफिट ये है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए उसको ये खसूसियात नई से नई खसूसियात देती है नई से नई इसके अंदर ट्रेड्स आती है ठीक है जिस तरह से अगर हम बात करते हैं सिंपल अगर इसकी एग्जांपल देखें कि अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कोई वबा फैल जाती है कोई एपिडेमिक आ गई है ठीक है और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म से सबके अंदर एक जैसे करैक्टर से तो हो सकता है वहां पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबकी डेथ हो जाए क्यों क्योंकि करैक्टर सबके एक जैसे थे लेकिन अगर उनमें से चंद एक ऑर्गेनिज्म से रही
वेरिएशन आई हैं, तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई नया करेक्टर डिवेलप हो जाए, कुछ ऐसी खसूसियात आ जाए जो कि उस बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो वो लोग सर्वाइव कर जाएंगे, उनकी डेथ नहीं होगी। तो इसलिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए, जानदारों की बका के लिए, जानदारों के जिंदा रहने के लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है। अगर वेरिएशन आती रहेंगी, चेंजेस आती रहेंगी, तो नए से नए करेक्टर्स डिवेलप होते रहेंगे, और उससे क्या होगा, वो करेक्टर्स बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स की बका के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इसलिए जो वेरिएशन की हम बात करते हैं, वेरिएशन क्या होती है, ये बेनिफिशियल होती है, इनका एडवांटेज होता है ऑर्गेनिजम्स को कि उनकी नस्ल जो है वो बरकरार रहती है, नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन इस तरह से आती रहती है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक था हेरिडिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे बेसिक ऑफ हेरिडिटी, इसकी बेस क्या है, हेरिडिटी की बुनियाद क्या है, उसकी हम बात करते हैं जीन्स, ठीक है। जीन्स बेसिकली वो चीज है, वो स्ट्रक्चर है जो कि हेरिडिटी की विरासत की बुनियाद है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, जीन्स है क्या, जीन्स बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर है, इनके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हदायात होती हैं, किसके लिए, कुछ स्पेसिफिक यानी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, जिनको प्रोटीन्स का नाम देते हैं, ठीक है, यानी प्रोटीन्स को बनाने के लिए जीन्स के पास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मालूमात होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम ये कहते हैं करेक्टर्स आते हैं, जो भी खसूसियात हमारी हैं अपेयर होगी, वो किस वजह से होती है, इन्हीं जीन्स की वजह से। हमारी बॉडी के सारे करेक्टर्स कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, जीन हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है, सिंगल ये कभी भी नहीं होता, पेयर की फॉर्म में। सबसे सिंपल सी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है मैंने, कैपिटल ए कैपिटल ए, या फिर पेयर की फॉर्म में, या कैपिटल ए स्मॉल ए, या स्मॉल ए स्मॉल ए, तो ये हमेशा पेयर की फॉर्म में होगा, सिंगल कभी भी नहीं होगी, ठीक है। पेयर की फॉर्म में कैसे होते हैं, एक मेल पेरेंट्स का आता है, एक फीमेल पेरेंट्स का है, तो इस तरह से दो आपस में मिल जाते हैं, हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और फिर हमारी बॉडी के जितने भी करेक्टर्स होते हैं उनको ये जीन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से हमारे डिफरेंट जो करेक्टर्स शो हो रहे हैं, कौन कौन से करेक्टर है, यहाँ जिस तरह से एग्जाम्पल दिया बुक के अंदर, जिस तरह से टॉलरेंस की बात करते हैं, किसी के पास बहुत लंबा होता है, ठीक है, डेवलपमेंट की बात करते हैं, बोना मन जिसे कहते हैं, छोटा रह जाता है, या आइस का कलर है, या अभी हमने बात किया हेयर का कलर है, हमारी स्किन का कलर है, हमारी हाइट है, हमारी इंटेलिजेंस है, इन सारे के सारे करेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली ये जीन्स ही हमारे सारे करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये जीन को तक स्ट्रेस करते हैं तो उस तरह से करेक्टर शो हो जाएगा, अगर ये जीन को तक स्ट्रेस नहीं करते तो चाहे वो करेक्टर आपके अंदर होगा भी, फिर भी वो स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जीन्स ने अगर एक्सप्रेशन नहीं दिया ना, तो जीन्स अगर एक्सप्रेशन नहीं देंगे वो करेक्टर आपके अंदर शो नहीं होगा। नेक्स्ट रोटेशन की अगर हम बात करते हैं, जीन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद कहाँ पे होते हैं, हम बात करते आ रहे हैं डीएनए में, ठीक है। डीएनए क्या है, हम सारे बात की हेरिडिटी मटीरियल है, वरासती मादा है, जिसके जरिए से सारी इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। तो जीन्स क्या है, बेसिकली सेक्शन है डीएनए, ठीक है, ये डीएनए के सेक्शन है, क्रोमोसोम्स के ऊपर ये मौजूद होते हैं, उसके ऊपर ये लोकेटेड होते हैं। क्रोमोसोम्स की हमने पहले बात की है, क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा नुमा आते हैं। अगर हम एक सेल की बात करते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, सेल के सेंटर में क्या चीज मौजूद है, उसका न्यूक्लियस मौजूद है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ धागा नुमा आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम्स, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। एक सेल है, सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको धागा नुमा साफ नजर आ रही है, कहलाते हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा। क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो इसी डीएनए के ऊपर क्या चीज मौजूद है, हमारे ये जीन्स मौजूद है। तो बेसिक ऑफ हेरिडिटी की जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे तीन चीजें हमें बतानी है, तीन इसमें हमारे पास जीन्स डीएनए और लास्ट वाले हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मैं ड्रा कर रही हूँ, क्रोमोसोम क्या है, आपके बुक के अंदर दो टर्म्स यहाँ पे यूज की गई है, एक है क्रोमैटिड और दूसरी है सेंट्रोमेयर। क्रोमैटिड का क्या है, ये आप देख रहे हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये जो उसके दो बाजू की तरह के उसके स्ट्रक्चर है, ये जो दो आर्म्स है इसके लिए कहलाते हैं क्रोमैटिड्स, और ये दोनों जो आपस में जुड़े हुए हैं कॉमन पॉइंट से, जो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इनका, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे हैं, कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक है सोमैटिक सेल्स और दूसरे हैं
बॉडी सेल्स, ठीक है। जो सोमैटिक सेल्स हैं उन्हें हम जनरल बॉडी सेल्स भी कहते हैं। इनके अंदर क्रोमोसोम्स की बात करें तो 46 क्रोमोसोम, हम ह्यूमन के सेल की बात करते हैं एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। जो दूसरी तरह हमारे पास सेल्स हैं जर्म लाइन बॉडी सेल्स हैं, वो गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स किससे बनते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है, मियोसिस से। जब भी मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। तो दो तरह के गैमेट्स की हमने बात की थी, मेल्स के अंदर स्पर्म्स बनेंगे, फीमेल्स के अंदर एग्स। तो यहाँ पे क्योंकि मियोसिस हुई है तो टोटल अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं सेल के अंदर, तो जब भी मियोसिस होगी तो उसका हाफ क्या होगा, 23, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। जब भी किसी एक स्पीशी की बात करते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में भी उतना ही क्रोमोसोम का नंबर जाएगा जितना के पेरेंट्स में था। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स का नंबर वेरी नहीं करता, ये एक ही जैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।